अपने इंडिया की पांच सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवीज कौन सी हैं? वेल, पांचवी मूवी है 2018 की मर्द को दर्द नहीं होता। कहानी एक ऐसे बंदे की जिसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसे कभी दर्द ही नहीं होता है। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में जितना अच्छा लगता है देखने में भी उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। फिर चौथी मूवी है भावेश जोशी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डीप था। एक ऐसा बंदा जिसके पास ना तो कोई सुपर पावर्स है और ना ही किसी तरीके की रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वो समाज की बुराइयों से लड़ता है। और हाँ, इसका सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी काफी कूल था। फिर उसके बाद तीसरी मूवी है रोबोट 2.0, और ये एक ऐसी मूवी है जो हर मामले में काफी आगे थी। इसके CGI VFX भी अच्छे थे, इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा था और इसके कैरेक्टर्स में भी दम था। फिर नंबर 2 पे है 2024 की हनुमान। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कम बजट में भी कैसे एक अच्छी मूवी बनाई जा सकती है। और भाई, हनुमान जी की एंट्री वाला सीन देख के तो लिटरली गूज बम्स आ गए थे। और भाई, फाइनली नंबर 1 पे मैं रखना चाहूंगा 2006 की क्रिश को, क्योंकि इस मूवी को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है ना कि जब भी हम इंडिया के मामले में सुपर हीरो शब्द सुनते हैं ना तो दिमाग में बनने वाली सबसे पहली इमेज क्रिश की ही होती है।